नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त टेक्निकल ट्विट केडी। दोस्तों आज आपके लिए मैं लाया हूँ बोया माइक, उसकी करूँगा अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं किस तरह उसको यूज करते हैं, किस तरह मतलब वो अपना काम करता है। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग बोया माइक की। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाई नीचे करें कैमरा। दोस्तों ये है बोया माइक और मैं इसकी आज करूँगा वाला हूँ अनबॉक्सिंग, किस तरह हम इसको यूज करेंगे, किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है, अभी आपको सब स्पष्ट से दिखाऊंगा। ठीक है, ओके दोस्तों चलते हैं, हम अब इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये है बोया माइक M1। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद इसमें निकलता है इसकी ये स्लिप, क्योंकि हमने ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो ये हमारा दोस्तों आया है 794 रुपये का। ठीक है, तो अब हम आगे इसको रख देते हैं। ये सही होता है, इसकी स्लिप है। ठीक है, तो अब हम इसको रख देते हैं ऐसे। और इसकी एक बुकलेट भी आई है, मैं आपको बता दूँ इसकी एक बुकलेट भी है जिससे हम यूज करने के इसमें तरीके दे रखे हैं, किस तरह हमें इसको यूज करना है, इसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ दे रखा है इसमें, पैकेज कॉन्टेंट सब कुछ दे रखा है। आप इससे भी सीख सकते हो, अगर आप ले आपने लिया है और आपको नहीं पता है तो आप इससे भी सीख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जब अब जब। और ये इसमें निकला, इसमें ये इसका एक अच्छा पैकेट भी दे रखा है, इसका पाउच है इसकी, इसमें आसानी से रखो और इसको ऐसे टांगो, बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आगे करते हैं। दोस्तों ये है बोया माइक। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने निकाला है और अब इसको करते हैं हम खोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको खोल लिया है और हम इसको करेंगे अब लंबा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसको तो आप जानते ही हो, इसको करना है अपने फ़ोन में लगाना है, जहाँ पे आप एयरफोन लगाते हो। ठीक है, और उसके बाद ये हमने लगा दिया। ठीक है, और ये चीज़ जो आप देख रहे हो, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये है, यहाँ से ये खुल जाता है इस तरह। ठीक है, ये खोल लिया हमने इसको ऐसे खोल के, हम चेक करेंगे इसमें सेल कैसे चलता है। मैं अभी आपको सेल भी दिखाता हूँ, ये भाग रहा है, तेज सेल है ज़्यादा। तो दोस्तों ये एक कपड़ा पता क्यों दिया होता है, ये इसलिए दिया होता है ताकि हम सेल आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल डालेंगे ये वाला। ठीक है, ये आसानी से दुकान पे मिल जाता है, किसी भी घड़ी की दुकान पे जाओगे, वॉच की दुकान पे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हमने ऐसे इसको हमने फिट कर दिया, अब इसको निकाल भी आसानी से सकते हैं, इससे इस धागा पकड़ो ऊपर खेल दो, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेल इसमें लग गया है, बाद में चलेंगे इसको करेंगे हम बंद ऐसे। ये हो गया बंद। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है ये ऑन कैसे होएगा। जैसे अब ये है फिलहाल, क्या है ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है, हम इसको यहाँ कर देंगे तो ये अपने कार्य को करने में ओके है, मतलब ये चल चुका है, ऑन हो चुका है, अब ये बंद हो चुका है, अब ये ओके है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ होती है जैसे शर्ट जैसे पैंट की जेब में लगा लेते हैं, जेब में वगैरह में, और ये अंदर से निकाल लेते हैं इसको डोरी को, माइक को। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या है इसमें, जैसे कि ये है, अब इसका इसमें क्या होता है, इसमें एक आती है चुटकी, एक पिन आती है, इसको इसमें कैसे फिट करते हैं वही बताता हूँ आपको। इसमें ऐसे इसको यहाँ पकड़ो, इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ पकड़ना है और सीधा ऐसे, ये क्या हो गया, अभी इसमें फिट हो गई है, इसको हम कहीं पर भी सपोज दैट मैं अपनी घड़ी में दिखा रहा हूँ लगा के, ये फिट हो गई है ऐसे। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका फिल्टर जिससे आवाज़ क्लियर होती है, उसके लिए हमें एयर फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे हमारी आवाज़ फिल्टर होके जाएगी, साफ स्वच्छ आवाज़ निकलेगी एकदम, मतलब क्लियर वॉइस क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं आप लोग। अब उसके बाद आता है नंबर, इसमें एक चीज़ हो जाती है दोस्तों, वो चीज़ क्या आती है मैं दिखाता हूँ, जो कंपनी ने हमें और भी दी।
अब ये है दोस्तों, जैसे ये किस यूज में आता है आपको, किस में यूज आता है, ये कैमरे वगैरह में, बड़े कैमरे वगैरह में यूज होता है। इसको आप ऐसे लगाओगे, उसको कैमरे में लगाओगे और इसको इसमें लगा दोगे, तो ये क्या हो गया, ये हमारे कैमरे में यूज करने के लिए एक अलग पिन दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया आज का बोया का अनबॉक्सिंग। ठीक है दोस्तों, अब आज आप अच्छे से समझ गए होंगे हमें किस तरह से करना है, किस तरह से हमें इसको यूज करना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।